अभी आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, एक महिला है जो रोते हुए बागेश्वर धाम में आई है और इनके ऊपर कोई ना कोई प्रेत बाधा तो जरूर है या कोई समस्या जरूर है, जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। हाँ, मैं उन ऊपर जाते से पहले निकाल दूंगा। तुम्हारे अरे जी हम वही महाराज हम मुक्ति दई जा महाराज तुम्हारे जी मई स्वीकार ये देखिए, ये इसी चमत्कार की बात हो रही है, जैसे कि आप वीडियो को देख रहे हैं। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? गलती पर गए सीताराम हो जा होई एंगे पटिया में रह पटिया चलो चलो मनोरंजन
की चर्चाओं में धीरे धीरे खसकते खसकते लग जाएगा कमर तुम्हारा मेरे महाराज छतरपुर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के ये नज़ारा देख रहे हैं। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी इंसान के ऊपर भूत प्रेत होती है, आत्मा होती है, तो यहाँ आने के बाद जो है वो अपने आप जो है बाहर निकल जाता है और अपना रूप जो है वो दिखाने लगता है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो है। जिस चीज को साइंस मानने से इनकार करता है वो चीज आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। सब भक्त है जो इस पेड़ से चिपके हुए, ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ का दर्शन, इस पेड़ को छूने मात्र से जो है अगर आपके ऊपर भूत रहे तो वो दूर हो जाता है। ये शक्ति है हनुमान जी के मंदिर के पास में लगे हुए इस मंदिर और इस पेड़ का आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं बागेश्वर धाम में जिस प्रकार से माता की जा रही है चमत्कार होता है, उसी चमत्कार को हम दिखा रहे हैं, उसी श्रद्धा को दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। ये देखिए ये डांस कर रही है।
आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से जो है आपको ये औरत छटपटाती दिख रही है। कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई प्रेत आत्मा भूत जरूर है जो इस प्रकार से इनको तड़पा रहा है। यहाँ पे देखिए ये भाई अभी जस्ट आए हैं और आने के बाद इन्होंने हनुमान जी के मंदिर को छुआ और छूने के बाद जो है इनके अंदर जो भी आत्मा थी वो काम करना शुरू हो गई। क्या कहना चाहेंगे भैया, आपने मंदिर को छुआ कुछ आप क्या फील हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, अच्छा महसूस हुआ है सर जी। यहाँ सत्य तो है लेकिन लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और तरह तरह के अलग अलग तरह के वीडियो कमेंट दुनिया भर के कर रहे सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बागेश्वर महाराज सच में है, यहाँ सच्चाई है और यहाँ पर धर्म है, इसी यही कहना चाहता हूँ सर जी मैं। अभी जो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं, कोई छटपटा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्या सच में इनके ऊपर भूत प्रेत है? यस सर, मुझे लगता है कि सच में ये लोग ऐसा कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, मतलब सच में लोग यहाँ आते हैं जो दुखी होते हैं, पीड़ा से बाधित होते हैं, उनके लिए सच में कुछ ना कुछ होता है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ बागेश्वर महाराज भी हैं और बालाजी की कृपा भी है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम में हूँ और यहाँ से किस प्रकार से जो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी ये शुरू हो गई। इस छोटे से बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ा है, इस छोटे से बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ा है जो उस प्रकार से इसको दुख मिल रहा है। इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी आप फ्री होता भाई? तुम्हारे घर की भूत भरे हैं, भूत भरे हैं, भूत भरा है इनको। कब से? बिलाद दिन हो गए, बिलाद दिन हो गए। कितना दिन होगा? एक साल कम से कम। हाँ, तो क्या लगता है यहाँ पे ठीक हो जाएंगे? हाँ हो गई, हो जाएंगे। छोटे से बच्चे को देख लीजिए, पेड़ को पकड़ कर रो रही है।
इस बच्ची की क्या गलती है, आखिर में इस बच्ची को इतना क्यों सताया जा रहा है? बाबा 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 हमको लग रहा है ये दोनों भाई बहन है।